तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मिस्टर स्नैचर। तो आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं अब। ओके, ट्रेसी का कॉल आ रहा है माइकल को। हर टाइम इसको गाली ही देने के लिए कॉल करती है ये। Tracy, I love you. But you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. सो डेविन से मिलने जा रहे हैं हम लोग। तो माइकल यहाँ पे पहले से पहुँचा हुआ है। नहीं, सॉरी, फ्रैंकलिन और ट्रेवर पहले से पहुँचे हैं, माइकल अभी आया। We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, Shuttle. कुछ गाड़ियां चोरी करने को ये बोल रहा है, जिसके लिए पैसे देंगे, जो कि अभी तक कोई भी पैसे तो इनको देता नहीं है, काम करवा लेता है। खर्चे कैसे चल रहे हैं इनके, क्या पता। Sounds manageable. Hey, you two get going. Let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Okay, Franklin ready ho gaya hai काम करने के लिए। हमको जाना है पेट्रोल पंप पे, वहाँ से गाड़ियाँ हम चोरी करेंगे। तो चलते हैं अभी पेट्रोल पंप पे। तो माइकल को फोन लगा रहा है फ्रैंकलिन। ओके, माइकल और ड्राइवर जो है पुलिस के गेटअप में है। अब इसको रेस लगानी है दो कार वालों के साथ, फिर स्पीड के चार्ज पे ये लोग गाड़ी चोरी करके निकल जाएंगे, या छीन के, बिड़ा के, जो भी समझिए। तो अभी पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं। वहाँ से फ्रैंकलिन उनको रेस के लिए उकसाएगा। तो बेसिकली हम मामू बन के मामू बनाएंगे लोगों को। ओके, ये लोग फंस गए अपनी बातों में, तो चलो रेस लगाते हैं। भाग लो बेटा,
जितना दूर तक भाग सकते हो, थोड़ी देर में तो गाड़ी अपन लेने ही वाले हैं। तो जैसा प्लान था, वो लोग फुल स्पीड में भाग रहे हैं, उनको स्पीड में ही रखना है अपने को ताकि चार्जेस लगा सके। ठीक है, लोकेशन पे पहुंच गया। माइकल को फोन कर रहा है फ्रैंकलिन। तो हम लोग पहुंच रहे हैं कुछ देर में, ऐसा बताया उसने। तो ये दोनों निकल गए हैं उसके पीछे। ओके, एक कार वाले को ट्रेवर हैंडल कर रहा है, दूसरे को माइकल वो करने को बोला उसने। काफी स्पीड में भाग रहे हैं दोनों। तो ये गाड़ी लेके हमको डेविन को देना है, उसके बदले में हमको कुछ पैसे देने वाला है, ऐसा उसने बोला है। लेट्स सी। इस बार तो इनको पैसे मिलते हैं कि नहीं। काम तो सही से कर देते हैं ये, लेकिन मिलता कुछ नहीं है दूसरे काम के अलावा। ठीक है, बस पहुंच ही गए हैं, अनाउंस कर रहे हैं ये लोग गाड़ी को रोकने को। वार्निंग देने पे भी रोक नहीं रहे हैं लोग गाड़ी। ओके, गाड़ी रोक रहे हैं वो। ठीक है, रोक दिया उन्होंने गाड़ी। अब एक्टिंग करनी है जैसे सही में पुलिस वाले हैं। You know how fast we're going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. चल भाई, गाड़ी से निकल बाहर। गाड़ी से नहीं निकल रहा था वो, उठा के फेंक दिया माइकल ने उसको। ठीक है, अब ये गाड़ी लेके हमको पहुंचना है डिलीवरी लोकेशन पे। फ्रैंकलिन बोल रहा है कि ये लोग ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चला रहे थे, तुम लोग चलाओ तो कुछ रेस लगा लेते हैं हम लोग। Ah, the lady from before, Devin's assistant. Good to be working with you.
It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Okay, Molly को फोन किया माइकल ने तो उसने हेज ऑटो पे बुलाया है तो हम आ जाते हैं ये गाड़ी डिलीवर होने के बाद देखते हैं पैसे मिलते कि नहीं ठीक है लोकेशन पे पहुंच गए हम लोग Gentlemen, I love you all. Oh God, this could be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me 5, 5, and 5. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now. तो क्या अब ये बोल रहा है कि 5 कार का ऑर्डर था अभी तो 2 ही आई है 3 और कार लाओ तब पैसे मिलेंगे come on man hold on so what's next man well it's the Z type Chad Mulligan lay it on him kid Mulligan's a record producer he's going through a messy divorce he's hiding his valuable assets तो थर्ड कार जो है Z type है वो हमको अब लेके आना ground surveillance we run all we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick so we just go house to house not quite we have access to an LSPD helicopter okay LSPD ka ek helicopter hai wo isko de rahe hain ye log uske help se wo gaadi chori karni hai follow him to the lockup someone on the ground collects the car all right so who does what you are not needed for this job okay Michael ki zarurat nahi hai isme yeah I don't understand the deal Trevor और माइक ट्रेवर और फ्रैंकलिन में काफी है इसके लिए इट्स जस्ट वन लॉन्ग मिस्ट्री बाय बाय जेंटलमैन एंड स्टे स्पिरिचुअल ओह एंड माइक आई बी इन टच अबाउट योर फ्रेंड सॉलोमन ऑलराइट गुड कि तब तक माइकल जाके सॉलोमन से मिल सकता है ठीक है फ्रैंकलिन के पास चलते हैं थर्ड कार चोरी करने Man, when am I gonna get a paycheck for one of these licks? तो ये लोकेशन है डेविन का वहाँ चलते हैं गाड़ी लगेगी अपने को तो पीछे ही पड़ गया जा भाई अपनी गाड़ी ले लो तुम पीछे ही पड़ गया था वो अरे ये भी पीछे पड़ गया ये वाली गाड़ी देखते हैं ये तो पीछे नहीं पड़ा ना नहीं ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो ले जाएं भाई अपनी गाड़ी अपने पास गाड़ियों की कमी थोड़ी है
ठीक है, अब चलते हैं डेविन के पास। ठीक है, पहुंच गए अपन। ट्रेवर आ गया हेलीकॉप्टर लेके। ओके, हम जिस पे भी स्कैन करेंगे उसका सारा डिटेल ये बता देगा फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू। ओके, चलो पहले ट्रायल करते हैं फ्रैंकलिन के ऊपर कि वर्क कर रहा है कि नहीं। किधर हो भाया फ्रैंकलिन? और नीचे जाना पड़ेगा, आउट ऑफ रेंज आ रहा है। स्कैन कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। ओके, अब हम कार के ओनर जो है उसको खोजते हैं, हॉविक नाम से है वो। एक बार वो लोकेट हो गया तो फिर कार का लोकेशन हमको मिल जाएगा। हॉविक एवेन्यू पे मिलेगा, चैड मुलिगन करके है बंदा, उसकी गाड़ी है, तो हमको चैड को खोजना है पहले। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है जहाँ, वहाँ स्कैन करते हैं कि वो है कि नहीं है। स्कैन कर रहे हैं। ओके, ये तो नहीं है चैड मुलिगन, दूसरा बंदा लैरी लॉर्डन है ये। कि ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। ओके, इस एरिया में नहीं है सस्पेक्ट, हम दूसरे एरिया में जाके देखना पड़ेगा। स्कैन कर रहे हैं। ओके, यही है सस्पेक्ट चैट मुलिगन। ओके, फ्रैंकलिन को बता दिया ये लोकेशन पे है वो।
सिग्नल लॉस्ट हो गया है हमारा, बिल्डिंग में चला गया है वो। ओके, इधर से निकला बिल्डिंग से वो। गैरेज में जा रहा है वो ट्रेवर, ये सारा कुछ डिटेल फ्रैंकलिन को दे रहा है। फ्रैंकलिन पहुंच गया जगह पे, लेकिन वो गैरेज में भाग गया है, गाड़ी लेके भाग रहा है वो। ओके, ट्रेवर को अब उसका लोकेशन बताना है फ्रैंकलिन को, सो दैट वो उसका पीछा कर पाए फ्रैंकलिन। हिसाब से ड्राइवर उसको गाइड कर रहा है और फ्रैंकलिन उसी डायरेक्शन में जा रहा है। वो पार्किंग लॉट में घुस गया है, तो फ्रैंकलिन को यहाँ भेजेंगे हम। तो फ्रैंकलिन भी पहुँच गया है। अब हमको खोजना है उस बंदे को। गैरेज में ही है वो बंदा। ओके, पायलट बोल रहा है कि थर्मल विजन से हम बिल्डिंग में कौन कौन है आदमी वो देख सकते हैं, तो ऑन कर दिया ड्राइवर ने। क्या हमको ये लोकेशन फ्रैंकलिन को बताना है, फ्रैंकलिन जाके चेक करेगा कि वो बंदा है कि नहीं। फ्रैंकलिन को पहले खोजना है अपने को। ये रहा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को उस हिसाब से वो भेज रहा है चेक करने के लिए। ये तो नहीं है अपना बंदा। ये भी नहीं है अपना बंदा।
आपके लेफ्ट में एक बंदा है, कार पे टिका के हाथ बैठा है, खड़ा है सॉरी। ये भी नहीं है। इसके अलावा एक बंदा कार में बैठ के बैठा हुआ है, उधर फ्रैंकलिन को भेजते हैं। ओके, ये वही आदमी है, इसको बेहोश कर देते हैं, नहीं तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। और गाड़ी लेते हैं, निकलते हैं। ठीक है, ये गाड़ी तो मिल गई अपने को। मॉली को फोन कर रहा है फ्रैंकलिन। मिस्टर क्लिंटन। Hey, Mark, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Okay, हमको हैंगर पे जाना है उसके। वहाँ पे वेट कर रहे हैं ये लोग। लो गाड़ी डिलीवर करनी है। तो तीन कार हो जाएगी हमारी, दो और तीन रह जाएगा। Man, I ain't hitting on nobody for you, man. At least the ball hurt. Come on, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Okay, Trevor man, बोल रहा है Molly को मेरे साइड से hello बोल देना। You are just like Michael. हर लड़की पे दिल आता रहता है Trevor का, ऐसा। ठीक है, हैंगर के पास पहुंच गए हम लोग। ओके, इधर अंदर जाना है अपने को। खोल दे भाई दरवाजा। Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. ठीक है, Devin Weston यहाँ पे है। They make? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow. And you one of them type of dudes, huh? Tell you something, how'd you like to drive a car like this one? For real? Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp. Man, I'm just looking for a paycheck for my service. Don't worry, it'll come, that'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, you got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a whole core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go. Okay, Molly बोल रही है कोई भी कार लो और जाओ। ठीक है, अपन निकलते हैं फिर। ठीक है, चेक करते हैं अब क्या मिशन है अपने पास।
देखते हैं माइकल का क्या हाल है उसके। इसको नींद में अभी भी एलियन आ रहे हैं क्या? ठीक है, रेडी हो गया है, सोलोमन से मिलने जा रहा है आई थिंक, देखते हैं। गाड़ी नहीं है बेचारे के पास एक भी, सब लेके चले गए लग रहा है इसके फैमिली वाले। उनका बस चलता तो घर भी लेके चले जाते। ठीक है, यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, आई थिंक माइकल की ही है ये। ठीक है, माइकल जो है सोलोमन से मिलने चल रहा है, चलते हैं देखते हैं क्या बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है अपने को। ठीक है, लोकेशन पे पहुंच गए अपन, सोलोमन के ऑफिस में जाते हैं। ये वही मूवी प्रोड्यूसर है जिसका डेविन ने रेफरेंस दिया था इसको। अपना वेट ही कर रहा था ये तो। You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael, Devin Weston, did he, does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on the movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work. Children or animals? Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. Okay, meltdown करके एक movie बनाना चाह रहा है वो. And then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Okay, Milton McElroy करके second lead actor जो है वो नखरे दिखा रहा है।
He's been hassling us about renegotiating the deal. वो अपना रेट बढ़ाने को बोल रहा है इसलिए वो आ नहीं रहा है शूटिंग के लिए. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. Okay, डायरेक्टर भी जो है वो भी नाटक दिखा रहा है. Looks like you got yourself. वो भी डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा है मूवी. But no happy endings. क्या माइकल को इसमें इसकी हेल्प करनी है. हम लोकेशन पे जाएंगे लॉस सैंटोस के ईस्ट में. उधर से वो बंदे को पकड़ के लेके आना है. कि हमको हेलीपैड तक जाना है बिना अलर्ट किए रोको को, क्योंकि नहीं तो वो हेलीकॉप्टर लेके वो बंदे को लेके भाग जाएगा. तो चुपचाप जाना पड़ेगा. छुपते छुपाते सामने सीढ़ी दिख रही है, कोई देखे उसके पहले ऊपर चढ़ जाना है अपने को. क्या बिल्ली के छत पे भी एक बंदा दिख रहा है, दो दिख रहे हैं. ये किया इसको बेहोश कर देंगे ताकि ये अलर्ट ना कर पाए किसी को. ठीक है, हो गया ये एक ही फटके में ख़त्म. यहाँ भी एक बंदा है, किसी को बोले उसके पहले उसको बेहोश कर देने का. ऊपर जाते हैं. और एक बंदा आ रहा है, ये देख ले उसके पहले बेहोश कर देते हैं इसको भी. ठीक है, रास्ता क्लियर है. अब गन ले लेते हैं, क्या पता कौन है सामने. Hey, you are. Mr. Richards has been worried sick. You get lost, wrinkles? ये देखो रोको आ गया ये. अच्छा, हैंड टू हैंड फाइट करेगा ये. ले, दो मिनट भी टिकने की औकात नहीं है माइकल से फाइट करने जा रहा है. अरे
you off this roof. Okay. Sure, man. Sure. All right. ठीक है, ये असिस्टेंट एक्टर जो है साइड एक्टर सेकंड लीड, इसको लेके अपन जाएंगे सोलोमन के पास हेल्प उसके ही हेलीकॉप्टर में। ओके, अभी भी ये एग्री नहीं हो रहा है सोलोमन के साथ काम करने को, तो इसको थोड़ा सा डराते हैं। थोड़ा डराएंगे इसको ताकि ये एग्री हो जाए पुराने डील पे काम करने के लिए, क्योंकि ये पेमेंट बढ़ा के मांग रहा है जो कि अपने को देना है नहीं। के पैसे ऑफर कर रहा है माइकल को वो, और माइकल तो मूवी बनाने के लिए सोलोमन के पास गया है, पैसे की तो किधर कमी है अभी। अब इसको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। एग्री हो गया ये मूवी काम करने में काम करने के लिए। तो ठीक है, अब इसको स्टूडियो को लेके जाने का अपने को। के सामने वाटर टैंक है, उस पर हमको लैंड करना है। ये है ठीक है, सोलोमन के पास चलते हैं अपन। Right now. What a wonderful surprise.
on, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love you. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean, I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This chute seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. Okay, Solomon बोल रहा है मेरे को associate producer चाहिए. तो वो माइकल को ऑफर कर रहा है कि तुम बन जाओ और यही तो माइकल चाहता था. Hey, Mr. Madrazo, how's that rebuild going? Good. I need to see you. Come to La Puerta Blanca, my ranch off Senora Road, and bring Mr. Clinton. Hey, look, Franklin? I hardly know the kid. I don't want him caught up in this. You'll need another pair of hands. All right, there's another guy. Trevor Phillips. Me and him are partners. Okay. I'll have my people messenger him. Okay, Martin Madrazo ka phone aaya tha abhi Michael ko. Usko Trevor ko usne apne paas bulaya, koi to kaam hai uske paas. ठीक है, चलते हैं फिर उसके पास. पहले अपने को एक गाड़ी लगेगी. ठीक है, सिग्नल पे खड़ी है गाड़ी, यही ले लेते हैं. ठीक है, इस लोकेशन पे जाना है अपने को मार्टिन मद्राजो के पास. ओके, पहुंच गए हम उसके बंगलों पे. Trevor भी आ गया. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes. Hi. फिर चालू Trevor का. We're looking for Mr. Madrazo. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink with you. Quickly! Good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Thank you. What did you tell him about me, about... El Madrazo? Martin's an old friend of mine. The truth. Martin is a terrifying psychic that tried to kill me. Exactly. Some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. To have him killed. I'm going to. And you? Our devil. Okay, एक बंदा है वो इसके खिलाफ testify करना चाह रहा है. उसके पास कुछ सबूत है. तो उसको माइकल को और ट्रेवर को बोल रहा है मार दो. This is him. Yeah, वो बंदा. Javier.
is flying off for Liberty City this afternoon. He's taking some files of mine. Innocent files that I need back. Okay, उसके पास जो फाइल्स हैं वो वापस भी लाना है अपने को. I had a man watching it here. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down, and get the files back. Okay, वो फ्लाइट उड़ा रहा होगा तो उस समय वो फ्लाइट अपने को उड़ा देनी है. फिर फाइल लेके आ जाना है. Not now! Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con las gentes aquí? Alright, you grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. कि माइकल गन हैंडल करेगा और ट्रेवर को कोई तो व्हीकल लेनी है. जब फ्लाइट जो है गिर जाएगी तो उसके पीछे जाके फाइल लेके आने के लिए ट्रेवर को. लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां पे वो गन है जिससे हमको फ्लाइट को उड़ाना है. All right, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Okay, इस वैन में है गन. भारी गन है भाई. टी, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Okay, jet अब गिरा देते हैं अब. Give me a second. ठीक है, पहला इंजन गया उसका. दूसरा भी. के और एक गोली मारनी है अभी. क्रैश हो रहा है प्लेन. अब इसके पीछे ट्रेवर को जाना है. तो ट्रेवर तो रेडी था बाइक लेके. ठीक है, तो जहाँ लैंड होगा ये मतलब क्रैश होगा सॉरी, वहाँ अपने को जाना है और फाइल लेना है.
farm out here is methamphetamine. Ah, Trevor Phillips country. God, I miss it out here. You gotta come visit sometime. आगे क्रैश होगा जहाज लग रहा है। क्रैश हो गया। के हाइवियर जो था वो अब जिंदा है अभी, तो उसको भी जान से मारना पड़ेगा अगर फाइल लेके वापस आ जाना है। ठीक है, फाइल मिल गई अपने को। के फाइल लेके ट्रेवर को जाना है मद्राजो के पास। देखते हैं माइकल क्या कर रहा है। ओके, अपने को ये एरिया छोड़ देने का, इसके पहले किसी को डाउट हो। ठीक है, यहाँ पे वैन अपन डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि कोई सबूत ना बचे। ठीक है, अब अपने को लगी कि गाड़ी कोई रोक ही नहीं रहा। ठीक
ठीक है, अब अपन मार्टिन के घर पे चलते हैं। ट्रेवर का कॉल आ गया। There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. उनका ट्रेवर बोला है प्लान चेंज है, मार्टिन के घर पे मत आओ, सीमेंट प्लांट पे मिलो। ठीक है, रूट चेंज करना पड़ रहा है अपने को, सीमेंट प्लांट पे चलते हैं। फिर चल के देखते हैं क्या लफड़ा किया ट्रेवर। अभी आ रहा ट्रेवर। The fuck has happened? Why do you have his car? He's a turd. मार्टिन की कार लेके आ रहा है वो। People are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really. अच्छा, उसने पैसे नहीं दिए इसलिए उसकी गाड़ी उठा लाया वो। I asked for a fair day's pay after a fair day's work. And he kind of got a little angry. So, I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh. But I did kidnap his wife. Oh, no. Uski wife ko kidnap kar liya isne. What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. बहुत सही। Unfortunately, अभी तो लफड़े से निकला था माइकल। माइकल सर पकड़ के बैठा है, अब उसको छुपना पड़ेगा। तो मार्टिन छोड़ने वाला तो है नहीं इसको। को घुमाने लाया हुआ है फ्रैंकलिन। ठीक है, डेविन के पास चलते हैं अपन। दो गाड़ी की उसकी डिलीवरी बची हुई है, तब तक तो पेमेंट करेगा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट कार के लिए अपने को लोकेशन दिया हुआ है डेविन ने, अपन जाते हैं वो कार उठाते हैं, वो भी डिलीवर कर देते हैं, चार कार हो जाएगी।
फैक्ट्री का ये लोकेशन है, अंदर जाना है अपने को, कार चोरी करनी है, लेके आनी है। मॉली को फोन कर लेते हैं पहले। Outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Okay, Molly बोल रही है कि कार शूटिंग में यूज हो रही है तो सिर्फ एक्टर या स्टंटमैन को ही अलाउड है। तो उसको कहते हैं गेटअप चेंज करके वो कार एक्सेस करनी पड़ेगी, उसके बाद लेके आना है। एक बार कार मिल जाती है तब उसको कॉल करनी है। ठीक है, ओके। सामने एक्टर है ये, इसका कपड़े लेते हैं अपन, वो पहन के जाते हैं। ठीक है, बेहोश कर दिया इसको। इसके कपड़े पहनेंगे हम और शूटिंग साइट पे जाएंगे। ठीक है, कार मिल गई अपने को, लेते हैं भागते हैं। अरे एक्ट्रेस अंदर ही बैठी हुई है, कोई नहीं बाद में देखते हैं वो। अरे यार गोलियां चलने लगी है तो। सिक्योरिटी वाले अपने पीछे पड़े हैं, उनको डॉज करना है अपने को। ओके, गाड़ी से स्पाइक्स गिरते हैं बटन प्रेस करने पे। उसे पीछे वाली गाड़ियां पंचर हो रही हैं। You underestimating the value of this automobile, or overestimating your own talent? I think you're underestimating what I get paid. You get paid a couple million for a morning's work? Shit, I should sack my agent. बहुत दिमाग खराब कर रही है एक्ट्रेस। Stockholm syndrome won't work on me, fuckball. Look, I respect you as an artist and a human being, but I got other priorities. Stop the car! I've been abducted by a crazed man. Girl, please. I like some of your work, but don't get ahead of yourself. What happened when I pressed? ठीक है, इसको बाहर फेंक दिया। मॉली को कॉल कर रहे हैं। If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can reconfigure his route to meet you there. All right, cool. I got the car. No drama. That's good. The studio is enough of a money sink without the costs that that drama can bring. What kind of shape is the car in? We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Okay, हमको हेज ऑटो पे लेके जाना है गाड़ी। वहाँ डिलीवर करनी है।
ठीक है, पहुंच गए अपन. You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten me. So how'd it go? It's moving up, you know, movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio. So what we just did is practically legal. Ah! Practically. Woo! Shit! Look at this motherfucker. अरे लमार कहाँ से आ गया ये? Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. Okay, उसका GPS location देख के वो यहाँ आ गया. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking papers. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. ओके, लास्ट कार के लिए वो बोल रहा है लमार का हेल्प ले लो तुम. इफ यू वांट हिम इन देन यू गेट हिम टू बूस्ट द रेस्ट ऑफ द शिट यू गॉट. गिव मी माय मनी एंड आई कैन गो ऑन विद माय मदरफकिंग लाइफ. ओह नो, एम आई सेंस इंटेंशन हियर, स्लिक. ही इज द स्पिरिट बट यू आर द ब्रेन्स. एम आई रॉन्ग? आई कैन सी इट. लुक, आई नीड यू ऑन पॉइंट व्हेन वी मूव दिस स्टफ आउट ऑफ टाउन. या व्हाटएवर मैन, कॉल मी व्हेन इट्स डन एंड आफ्टर दिस मेक श्योर वी गॉट आवर मदरफकिंग चेक. ऑलराइट, चाओ बेबी. इज व्हाट इट इज. या व्हाटएवर. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't go down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. के घर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है वो. घर तो उसका लॉक है, तो भागा हुआ है ट्रेवर के कारण से. Where you at, man? Your house is empty. Hey, I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that. Michael वही बता रहा है उसको कि मार्टिन मद्राजो की वाइफ को इसने किडनैप कर लिया है, इसलिए इन लोगों को छुप के रहना पड़ रहा है. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife. No, the Mexican's wife. What? What's to say about that? Nothing. Nothing to say about that. Cocker, I'm gonna cut your arm off. Who the hell's that? Your maid? Business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And that, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to
requisition. Okay, Mary Weather ke kuch to consignment aa raha hai weapons ka. No, Trevor bol raha hai main ja ke dekh ke aata hun. Watch her, okay? Michael ko bol raha hai tum dekho lady ko. ओके भाई एयर आ रहा है वेपन तो हमको हवा में ही वो फ्लाइट को पकड़ना है What are you going to do? We're not going to take out a private army on the ground, Ron. We got to meet them in the air. Okay. Well, I knew that you were pissed after the Merryweather heist. Giving back the hardware. That was bullshit. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into Merryweather networks. It feels good to be back in the company of a professional. I got it. Now, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards, merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast from Hove Beach to Vespucci. I want country clubs and a depressed wife with blonde hair and a hot little secretary who bounces on my boy. Crop duster? That's the best we can do? Get in touch with my Mexican contact. Okay. Tell him we got some guns to sell. Plane leke hum jayenge. के सामने दिख रहा है हमको मैरी वेदर का फ्लाइट सामने से फायरिंग हो रही है मिसाइल्स चला रहे हो पूरा जहाज ही अंदर घुसा दिया इसमें He crashed into the plane.
और साफ करेंगे अपन। अब हम पायलट के पास जाएंगे। नीचे तो कोई दिख नहीं रहा। ऊपर कॉकपिट में जाते हैं। फ्लाइट अब अपने कंट्रोल में है। ड्राइवर चला रहा है अपने। इसको मैकिंजी फील्ड में अपन लैंड करने वाले हैं। जेट्स आ गए अपने पीछे। एयरफोर्स के जेट्स हैं अपने पीछे लग गए। मानने को रेडी नहीं है। वो जिधर जा रहा है उधर ही लेके जाने वाला है। Okay, वो बोल रहे हैं या तो फ्लाइट उतार दो नहीं तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर देंगे फ्लाइट को। ड्राइवर सुनने वाला है नहीं उनकी। ड्राइवर बोल रहा है गिराना है तो गिरा दो, जो करना है करो, मैं नहीं रहने वाला। मेरे को जिधर लेके जाना है उधर ही लेके जाऊंगा। ओके, जेट सब अपने फ्लाइट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो छोड़ दिया उन्होंने वो। गया क्या? अब इसको लैंड नहीं किया जा सकता, इंजन डिस्ट्रॉय हो गए। अपने को यहाँ से जंप करना पड़ेगा। अब भागो बाबा भागो, इसके पहले कि फ्लाइट गिर जाए। Yes.
ठीक है, अपन यहीं उतर जाते हैं। मैरी वेदर का तो कुछ मिला नहीं अपने को, हर बार मैरी वेदर वाले मिशन में लॉस ही होता है अपना। गाड़ी ले लेते हैं। अरे उड़ाई च दिया ये। कोई तो आएगा। Trevor, shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. अरे बाप रे, ये तो ट्रेवर पे ही चढ़ गए दोनों। बस हुआ, चलें। ब्यूरो वाले आए हुए हैं, चलो मिलते हैं उनसे। O'Neill का आ गया। Whoa! You're the guy stealing contracts. You burnt a farm, killed my brothers. You had too many brothers. They needed culling. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Okay, Los Santos mein usko bula raha hai O'Neill ko. Agar isse milna hai to. अपने मैथ लैब पे आया हुआ है ट्रेवर। माइकल भी आया इधर। सही है इसका। नाइस प्लेस यू गॉट हियर। किधर भी शुरू हो जाने का। चीप एंड फकिंग इजी। बट दिस हियर इज माय प्लेस एंड माय वर्क पेड फॉर माय प्लेस। ऑलराइट, रिलैक्स, आई वाज जस्ट बीइंग सार्कास्टिक। या वेल, डोंट बी, ऑलराइट, बिकॉज़ द वर्ल्ड डजंट नीड एनी मोर सार्कास्म। इट्स द ब्लाइट ऑफ द एज। I get the point. You? You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? But because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So
far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open! See what's there, baby, because I'm ready. Hello? ये देखो FIB वाले आ गए. What's up? Fuck off! Listen. I'm sorry. फिर इनको कुछ न कुछ काम तो हो गए. और एक प्रॉब्लम है. We need you to investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. Okay, कोई लैब है उसको इन्वेस्टिगेट करना है. Listen, we need some fairly standard gear. Boat, tandem rotor heavy lift helicopter, truck, weapons. I'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A-right. उसके लिए जो भी resources चाहिए इनको खुद से source करने हैं, खुद के पैसे लगाने हैं. I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me. तुमको नर्व गैस चोरी करके लाना है टेररिस्ट लोगों से. Sarcasm is all I fucking got. Sarcasm and a room full of you cucks. Yes. Woo! Welcome back, man. It is the old you. Yeah, well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye-bye. Ah, Jesus. All right, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Polito Bay. Okay, Lester ko call karne ja raha hai Michael. Se help lega. पलीटो पे जाना है Let me call Lester. What now? We got a funding problem. So we need a job. Before the jewel store, you talked about a score, a bank in the sticks. I need you to meet us there. Polito Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. All right, Lester's meeting us there. Don't start. I won't. No way. Good call. If you're taking down a bank for a few million, first thing you do is call the hospital, tell them to get you a guy in a wheelchair. Oh, this Hayseed Bank, you gonna be carrying that kind of change? Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you. You know? Maniac, psycho, friend, industry leader. Some ways you defy categorization. But then... What? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right, but why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, you know, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys, the niche drugs, the everything. What the fuck are we talking about? You
are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I abhor hipsters. I eat them for fun. Hipsters love saying they hate hipsters. Well, I really fucking do. Self-hatred. It's a common hipster affliction. Well, it'll be because I'm living out here away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Soon, the skinny jeans will show up, then the skinny lattes, and then the bankers. And you'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster, but you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto-hipster. I don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. You're talking bullshit. You're trying to wind me up. But I'm very, very angry. And I want this conversation to stop right away. Hipster. Fuck you! Fuck you, Michael! Say it again. I've made my point. I'm not a sadist. Hey, what's that? The bus stops up here. कोई यहाँ बस स्टॉप है. यहाँ पे लेस्टर आएगा. हमको उसको पिक करना है वहाँ से. Come on, man, knock it off. What? I'm gonna break your fucking fingers, you don't knock that shit off. Well, please, all right? You'd alleviate the boredom. Ah, finally. Okay, I'll get this. Hey. 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 Welcome to paradise. Come on, car's this way. Dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Okay, let's take a look at this bank. Okay, पहले हम जाएंगे बैंक देखते हैं. I will go to the front of the bank, clock the entrance. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. You should be in and out before the local PD knows what's happening. Front of bank. That's the entrance to the bank. Nothing special. Take us around back. Okay. क्या कुछ ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है इधर से पीछे देखते हैं फिर. There's an empty lot behind. No one should pay attention to us back there. I like it. The place is remote. It's got the right amount of foot traffic. This'll do. Let's check out the alarm to be sure. सुनसान तो है ये बैंक ऐसा बोल रहे हैं बस अब इसका अलार्म सिस्टम देखते हैं कैसा है गाड़ी अंदर लेके जानी पड़ेगी अपने को पार्किंग लॉट में It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. We're gonna have to find a new score. No. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm to see what kind of response they throw out. That is. Okay, अभी अलार्म एक्टिवेट करके हम देखते हैं क्या रिस्पांस आता है पुलिस वालों का. माइकल गोली मार रहा है उसपे, so that activate हो जाए अलार्म. Police scanner to drive over to the gas station opposite the bank and we'll monitor chatter. Alright. Okay, Lester ke paas police scanner hai. Usse wo check karega kitne police wale aate hain iske garage se. This is Toledo Bay Security Services Frequency. We have a code 30 Adam. Alarm going off at Lane County Savings Bank.
तो यहाँ रुक के अपन चेक करेंगे पुलिस वाले कितने एक्टिव हैं। They've dispatched four cars in 60 seconds and more on standby, and it isn't even 30 Victor or shots fired. Okay. This is a real headache. 60 second mein char gaadi bhej di hai, baaki ki standby mein bhi hai abhi. This is Toledo Security. Any updates on the code 30, Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. Response bahut khatarnak hai. Bahut hi risky hai yahan lootna. This is them. यहाँ रुक के देखते हैं अपन उनका कोई वीकनेस है। वाह, चेक पॉइंट और सर्चेस भी लगा दिए उन्होंने। ड्राइवर उतर गया, वो बोल रहा है कि मैं बाबा तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपना सेपरेट जाता। कि माइकल लोग पहले ही पहुंच गए। Took you so long. Set up a board over here. Oh. Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine. बच्चा कुचा जो है वो गरम करके दे रहा है माइकल को। माइकल ने मना कर दिया। You get hungry and moody, right? Then you're going to be making the wrong decisions. I have been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Yo. Bon appetito. सालों पुराना खाना है ये। देख के ही उल्टी आ रही है। That's just a what? An island. It's probably not even human. Unless a gas station. Gentlemen, some plans for your attention? Good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. Okay, so let's talk plan about that. Experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops. The okay, dirty cops head police on. Wallows. Head on. लड़ना पड़ेगा इस केस में। I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Okay, ek shipment idhar aane wala hai military ka. To wo pehle hijack karna hai apne ko. Well, it's a bay. To wahan se apne ko kuch samaan mil jayega ye robbery ke liye. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. He'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Okay, ki crew mein apne ko banda lagega apne. Think about my buddy Chef, okay? Consummate professional. He handled himself at the jewelry store. Is this really the guy you want? That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin. Trevor, you do what you do. Roger that. And I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's going to be tight, but, you know, me casa, su casa. I'll get a motel. Okay, ये लोग जाके होटल में रुक रहे हैं। Adios, amigos. वैसे भी यहाँ रुकने जैसा है भी नहीं। उल्टी चालू हो गई।
खाने का क्यों ऐसा खाना बाबा? Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. What's left of them? I'll pick up Michael and we'll come to you. Okay, Trevor, कुछ उधर देख रहे हैं O'Neill brothers. वो लोग खोजने पहुंच गए उसको. Franklin का ऐसा फोन आया था. ठीक है तो ट्रेवर माइकल को लेके उनके पीछे जा रहा है भाई एयर जाएगा ट्रेवर मार्टिन यू नो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट एंड आई एम नॉट क्वाइट श्योर इफ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एन अपोलॉजी वेयर इज माय वाइफ ओके मार्टिन मद्राजो का फोन है अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा है फ्रैंकली नाइदर डू आई विल फाइंड यू ओके वेल आई विल पुट सम कॉफी ऑन दैट आई विल सी यू सून Hey, Jimmy, it's your dad. Listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom, too, will you? And Tracy. Please, son. Daddy's been a bad boy. Please, son. You want a sniff? The fuck is wrong with you? Now, see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh, man. It's cheap. But it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry I don't have any low carb. Fuck you. Where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit, the picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh yeah, you've achieved perfect balance. Balance? You gone. Man, 10 years in the sun, the rain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? But I fucking kill only on the weekends. So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I'd like your honesty. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming out. Okay, so Trevor ने Franklin को बुला लिया ये बता दिया Michael को. तो Michael बोल रहा है कि उसको क्या जरूरत है बताने का. Come out here what for a little visit? That is so fucking typical. वो खुद से यहाँ पे handle कर सकते थे. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself.
You're right. I did do that. I apologize. It's not good enough. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boss. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck it up. Don't stay out too late. कि अब हम फ्रैंकलिन के लोकेशन पे जा रहे हैं वो नील ब्रदर्स के पीछे गया हुआ है फ्रैंकलिन तो अब हम जाएंगे इधर है फ्रैंकलिन पीछा कर रहा है वो ओनील ब्रदर्स का No, Chuck. We can't deal with them yet. It's too many of them. There's some disturbing stuff in here. Hey, man, me and Chop on these punks. We coming up to WH, north of 2 miles. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo, but one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper? Yes, Michael. It's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. Okay, Frank, we're taking the chopper. We'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. वो ओनील ब्रदर्स का पीछा कर रहा है. ट्रेवर अब कंपनी के चॉपर लेके आ रहा है उसके लोकेशन पे. We're 5 minutes out from the chopper. गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सामने ही रहना गया Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed? They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Okay, Trevor को बता दिया उसने, Franklin ने, कि वो लोग जंगल की तरफ भाग गए हैं गाड़ी उनका एक्सीडेंट होने के बाद. तो चॉपर से भी आ रहा है Trevor. Don't worry, incoming. Incoming? Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the Sandy Shore, so... Here she is, the Biz Ellie. Remember, she ain't mine, she's the company's. Contract to end all contracts. Serious multinational stuff.
के हेलीकॉप्टर में एक राइफल पड़ी हुई है, उससे माइकल को स्कैन करना है फॉरेस्ट को, और देखना है वो नील ब्रदर्स कहाँ हैं, उनको शूट कर देने का बेसिकली। ठीक है, लोकेशन पे पहुँच गए अपन। फ्रैंकलिन दिख रहा है अपने को। तो थर्मल स्कोप से हीट सिग्नेचर देखने का, अगर आदमी का दिखे तो ही मारने का है, सुनिए जानवरों को भी उड़ाते जाओ। फ्रैंकलिन है, ये तो हिरन दिख रहा है, ये कोई आदमी है। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, ये गया। बाकी दोनों को देखते हैं। आग जल रही है ये तो। भी नहीं दिख रहा है। ओके, ये पानी में तैर रहा है। ओके, ये भी गया। तो फ्रैंकलिन है। एक बंदा और है, कहाँ है उसको खोजना है अपने को। नहीं, वो तो हिरन था। के पत्थर के पीछे है वो, फ्रैंकलिन को ही उसको हैंडल करना पड़ेगा।
क्या लॉन्चर छोड़ रहा है क्या वो हेलीकॉप्टर पे? इधर पत्थर के पीछे है वो। यस, गया। ठीक है, अब अपने को फ्रैंकलिन को चॉपर में लेके जाने का है वापस। क्या फ्रैंकलिन को लेके हम एयरफील्ड पे चलेंगे वापस। Good, huh? Helping a friend in need? Come on, Chopper. Come on. Oh, yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we're gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chopper, get in. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning.